दोस्तों इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में टेस्ट मुकाबला भी चल रहा है, जो कि पहला टेस्ट मुकाबला है। इसके बाद से दो टेस्ट मुकाबले और खेले जाने हैं। जो अंतिम टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा, यानी कि जो तीसरा टेस्ट मुकाबला होगा, वो 1 से लेकर 5 नवंबर के बीच में खेला जाएगा। ये मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। इसकी टिकट को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। अपडेट ये आ रही है कि इसकी टिकट जो है वो बुकिंग के लिए अवेलेबल है। सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि टिकट की जो प्राइस है वो काफी कम रखा गया है। काफी कम का मतलब ये है कि मात्र 375 रुपए में आप टिकट बुक करके विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, सरफराज खान और कई सारे खिलाड़ियों को देख सकते हैं बिल्कुल लाइव स्टेडियम में जाके। तो अगर आपको टिकट बुक करनी है तीसरे टेस्ट मुकाबले की, तो बिल्कुल जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके को फॉलो करिएगा, आपकी टिकट जो है वो बहुत आसानी से बुक हो जाएगी। टिकट बुक करने के लिए आपके पास में पेटीएम इंसाइडर नाम का ऐप होना चाहिए। पेटीएम इंसाइडर नाम का ऐप अगर नहीं है तो प्ले स्टोर डाउनलोड करके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से वेरीफाई कराने के बाद जब खोलेंगे इसको, तो आपको यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन दिखाई देगा। सर्च बार पर टाइप करना है आपको IDFC। IDFC के अलावा कुछ और टाइप मत करिएगा, क्योंकि कुछ और टाइप करने के बाद कोई और टिकट आ जाएगी। इस पर टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पे पहले, दूसरे और तीसरे टेस्ट मुकाबले की टिकट यहाँ पे दिखाई देगी। तो हमें तीसरे टेस्ट मुकाबले टिकट बुक करनी है, तो तीसरे टेस्ट मुकाबले के पोस्टर पर जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अंदर जाने के बाद आप स्टेडियम का नाम पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के बाद आपको आपकी सारी जानकारी दिखा देगा, चाहे आपका मोबाइल नंबर हो गया, चाहे आपका जीमेल आईडी हो गया, या जो भी आपकी पर्सनल जानकारी है वो सारी जानकारी आपको दिखा देगा। सारी जानकारी देख के वेरीफाई करने के बाद, सब कुछ सही सही होने के बाद, आप नीचे जो है इनके टर्म्स कंडीशन पर क्लिक करके एग्री करेंगे। फिर आप कंटिन्यू पर टैप करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको ये बैलेंस पेड करना है, जो कि 400 रुपए से कुछ ज्यादा का अमाउंट है, क्योंकि 375 रुपए की टिकट है, बाकी बुकिंग फी है। तो ये बैलेंस पेड करने के बाद आपकी टिकट जो है वो बहुत आसानी से बुक हो जाएगी। जैसे ही आपकी टिकट बुक होगी, तुरंत आपके मोबाइल पे ई टिकट आ जाएगा। ई टिकट जो है आपके जीमेल आईडी पे आएगा। जीमेल आईडी पे ई टिकट आने के बाद जब आप बॉक्स ऑफिस पे जाएंगे फिजिकल टिकट लेने के लिए, तो आप वही दिखाएंगे, तो उसके बाद से आपको फिजिकल टिकट मिल जाएगी और फिर आप जाके स्टेडियम में मैच देख पाएंगे। बॉक्स ऑफिस की जानकारी जो भी है वो आपको पेटीएम इंसाइडर के द्वारा SMS और ईमेल के द्वारा दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आप 1 से लेकर 5 नवंबर के बीच में होने वाले मुकाबले की टिकट बुक कर सकते हैं, जो कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में तीसरा टेस्ट मुकाबला रहेगा।